और छोटा सा नहीं नौकरी लगी क्या महसूस करी आकृति शर्मा के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आकृति शर्मा के लिए। अब आकृति आप यहाँ से जा सकती क्योंकि आगे बढ़ा है गाँव में मेरा दोस्त हूँ अच्छा ठीक है मुझे पता है आपके वो टेलीविजन एक बार दोबारा आपके वो टेलीविजन एक बार बस इतना ही मिलता है और निकलेगा हो गया। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेस्ट वेस्ट करने का टाइम हो चुका है खत्म क्योंकि डांस दीवाने जूनियर को सुपर हिट बनाने का वक्त आ गया है। सो गाइस प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डांस हमारे हाथों में है इस शो को सुपर हिट बनाना। आकृति क्या कहते हो ये डांस शो सुपर हिट बनेगा कि नहीं? ऑफकोर्स होगा इतने अच्छे जजेस और इतने अच्छे जूनियर हैं और मैं होस्ट हमारे कंट्री के जो ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत हमारे कंट्री की सुपर वुमन वंडर वुमन नीतू जी से आपको मिलवाते हैं। हमारे कंट्री की सबसे ज्यादा हार्ड कोर परफॉर्मर नौरा फतेही से आपको मिलवाते हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नीतू जी एंड नौरा फतेही। कम ऑन गाइस कम ऑन। अनफॉर्चुनेटली एक और है हमारे साथ जज क्या कर सकते हैं मतलब आप बुलाना तो पड़ेगा अपनी नौकरी है बट हमारे मेरे पर्सनल फेवरेट आप सब लोगों के फेवरेट सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर को हम बुलाते हैं मर्सी पेस्टन जी मेरे फेवरेट प्लीज वेलकम जजेस अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस हमारे साथ। नई नौकरी लगी क्या महसूस कर रही शर्मा के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आकृति शर्मा के लिए। अब आकृति आप यहाँ से जा सकती क्योंकि आगे बढ़ा है गाँव में मेरा दोस्त हूँ मैं करोड़ मतलब ये बोलूँ तो आपके सैनिटाइज कर दूँ अच्छा ठीक है चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेस्ट वेस्ट करने का टाइम हो चुका है खत्म क्योंकि डांस दीवाने जूनियर को सुपर हिट बनाने का वक्त आ गया है। सो गाइस प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डांस।
छोड़े हमारे हमारे सेलिब्रिटी ग्रामीण का लंच मर्जी सर के लिए तालियां तालियां प्लीज प्लीज क्या बात है क्या बात है आज को मतलब शाबा शाबा कर दी हमारे बाबा बाबा ने आई एम सो प्राउड बेसिकली दिस सीजन इज गोइंग डाउन ओके मर्जी करण Just watch for it. Versus each other. It's like wrestling match. What about what about you? You're a version children. How much? Right. You're crazy. Na, aapne chhapla kab kiya? Ab sab all the time. We are first day people are right, but people are very nervous on the first day because he's lost his or half kya aaya hua hai na to wo puri bhara sima pe utarega so they're waiting for that but hoga agar nervous hoga agar koi superstar hoga ya ki senior actor ke sir paanch se paanch paper mouth kar raha hai unke samne main nervous tha aapko dekh ke nervous hone ka matlab bhi nahi samajha meri tarikh ho gayi ab aap bataiye show ke baare mein hamare show dance ke baare mein jude ke baare mein I must say guys do watch it kyunki the most good looking panel ka aapke kya andar acha the most good looking panel ever think about it aisa mein ek screen dono ki khoobsurti mein hum dono bhi pass ho jate hain ha okay that I agree with you yes first thank you bolke le lo but please watch the show because it is of talent and only hum log ye dono bichare bahut emotional hai har ek bacche ko na bolne ki unko problem ho rahi thi aapka problem nahi hota mujhe nahi bolna tha main bol raha tha lekin पर इन्होंने ना हमने सबने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे डांसर सिलेक्ट किए हैं एंड जब हम हमारे मेंटर्स को देंगे दे विल टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल एंड वी होप टू गिव यू ऑल द बेस्ट डांसिंग इंडिया एवर सीन जेन्युइनली I have to say कि मर्जी सर ने जितनी खूबसूरती से जितने as a, as a, as a younger brother मुझे वेलकम किया है जितनी मेरी सपोर्ट की है शो पे चाहे मेरी पूजा जितनी हुए हैं
करण भाई राइट मेरे को बट एक सरप्राइज और बाकी है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने भी कुछ ऐसा नया और हटके एक्सपीरियंस किया है, देख ही लेते हैं क्या किया है। चला कौन सा था, फ्राइडे सैटरडे में सैटरडे संडे रात को ड्रॉप दे कलर्स पर।
अब हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं हमारे जजेस की केमिस्ट्री, हमारे कुछ बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स, लम्हे जो हमने इस शो में अभी तक किए हैं। अभी तक सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आगे जाके इस शो में कितना धमाल होने वाला है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर है हमारे पास, तो हम चाहते हैं रिएक्शन। तो मैं आ रहा हूँ, देखते हैं, चलिए हमारी ए भी देखते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम बाकी नहीं, ये बाकी थ्री है, प्लीज नोट की क्लोजअप लीजिए। इसका बाकी टू, बाकी टू, अच्छा। और ये बाकी वन, तो ये क्या है बाकी से पहले? तो आपने देखा क्लॉकवाइज ऑर्डर में बाकी थ्री, बाकी टू, बाकी और फिर हीरो पत्नी, क्या बात है। तो चलिए अब हम अपनी छोटी नौरा से मिलते हैं। इत बक्का आपको कैसा लगता है लोग आपको छोटी नौरा बोलते हैं? पहली बार मैंने गीत को देखा जब मैंने एक डांस चैनल शुरू किया सोशल मीडिया पे, और मेरा हैशटैग जो होता है हैशटैग डांस विद नौरा, उसने एक डांस वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे मेरे हैशटैग पे, और पहली बार जब मैंने उनको देखा था इंस्टाग्राम पे और मैंने उसका वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे डाला, आई सेड कि ये स्टार है, शी इज गोना गो सो फार। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि वो शो पे आई है, and she has so much to show, and she will definitely show you what hardcore dancing really is. Kya baat hai, aapko main ek aur interesting story batata hu ki geet hamari wo ladki jisne ek naya sapna bol diya hamare show, to geet aayi pehle the aur geet ne bola ki Nora ma'am main aapke sath na wo dance meri rani pe dance karna chahta hu, so obviously Nora being a sweetheart usne unhone kaha ki sir chaliye theek hai main karti hu। उसके बाद हुआ क्या कि ज्यादा नहीं 1,50,00,000 जितने भी उसके बाद कंटेस्टेंट्स के पापा लोग, कंटेस्टेंट्स की मम्मी लोग, मासी लोग, सब ने यही रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। तो मुझे पता था कि यहाँ पर भी ये होने वाला है, एंड मैं आफ्टर ऑल ये मैं कलर्स के साथ हूँ, हम बहुत गिविंग है, तो हमने इसका भी इसकी भी पूरी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो और मीडिया में से मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, शाखा जी, हरी जी एंड नैना जी, चाहिए स्टेज पर हम नौरा के साथ डांस मेरी रानी में परफॉर्म करने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पर है हमारे साथ, आपको भी निराश मत होइए, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा हमें कोई रोक नहीं लगेगा। आ जाइए हमारी टीम, आ जाइए जल्दी आ जाइए।
chance to show the world what they can do. And for me, it's such a personal thing. I am very, very touched. And कभी-कभी मैं emotional हो जाती हूँ जब मैं एक performance देखती हूँ या किसी बच्चों को देखती हूँ क्योंकि उनमें एक अलग-अलग energy है, एक अलग dance ability है, and they're just stars. And I'm just so happy we're able to give them that platform. हमें मिलेगा इंडिया का सबसे हार्डकोर डांसर इसी शो पे, क्या बात है, गिव इट अप फॉर नोरा फतेही एवरीबॉडी। तो चलिए अब हम हमारे सेलिब्रिटी डांस अच्छे से अरे इसे इतने चलिए अब हम अपने सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर सर से पूछते हैं। मर्सी सर, हम बहुत खुश हैं कि आप इस शो में हैं हमारे साथ एज ए जज, मेरा पहला शो है। तो आपको कैसा लगता है कि जब भी शो पे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, वो सबके सब दौरा के फैन होते हैं और आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? अरे मुझे वैसे लगता है जैसे तुम्हें लगा होगा जब तुम बिग बॉस हारे होंगे। हमने जितने भी ऑडिशन किए आधे बच्चे आके उनको ये करने का था, ये बताइए कहां से बना, पता नहीं आपको ऐसा नहीं होता है, ये क्या होता है? 5 6 7 8 नाच डांस 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 मेरी नानी पुष्पा भी आ गया उस बीच में, व्हाट वाज द ऑल द फादर्स, हां एंड डैडी आते थे वो भी नौना को देखते थे, मम्मी जाती है नीतू जी आपको देख के तो मेरा चार चांद हो गया, मेरा ये हो गया, लेकिन मेरे पास दो मम्मी थी जो मेरी फ्रेंड थी, शो में दो मम्मी आई, एक दोनों अलग अलग टाइम पे आई और दोनों मम्मी मेरी फ्रेंड थी, डैडी से कब आई थी तो शो खत्म होने का सब इसके फैंस नए हैं और 40 मिलियन लोग यहाँ छीने तो मेरा नाम बदल देना। यू मेरा नाम बदल दूँगी। पहला शो खाली लोग कोई बोलते हैं पहला शो है इसका, हाँ इनका भी देखो, अरे ऐसे शहाबत से बैठे रहते हैं जैसे वो माइक कैमरा आ गया ना सब अपना अपना करते हैं, ये इनको भी और इनको दोनों को इसी में बात नहीं करूंगा, तो एक बड़ा इंसान है। तो बताओ ना कुछ अपने ऐसे सुपरस्टार हो उसके बारे में, तो कुछ को नहीं पर आई मस्ट से पहला दिन आया नॉट बैड, नॉट बैड दे मींस वी आर फर्स्ट डे पीपल आर वेरी बट पीपल आर वेरी नर्वस ऑन द फर्स्ट डे बिकॉज़ ही इज लॉस्ट इन और हाल क्या आया हुआ है ना, तो वो पूरी भड़ास यहां पे उठा लेगा, सो दे वेटिंग फॉर दैट, बट हो गया। नर्वस होगा अगर कोई सुपरस्टार होगा या कोई सीनियर एक्टर के साथ, पांच के पांच पेपर मांगूंगा तेरा है उनके सामने, मैं नर्वस था आपको देख के नर्वस होने का मतलब ही नहीं समझा, मेरी तारीफ हो गई आप बताइए शो के बारे में, हमारे शो डांस के बारे में, जूनियर के बारे में। आई मस्ट से गाइस डू वॉच इट क्योंकि द मोस्ट गुड लुकिंग पैनल का तू भी अंदर रहता चल, द मोस्ट गुड लुकिंग पैनल एवर, थिंक अबाउट इट, ऐसा मेरी इन दोनों की खूबसूरती में हम दोनों भी पास हो जाते हैं। That I agree with you. Yes. बस थैंक यू बोल के ले लो। But please watch the show because it is of talent and only हम लोग ये दोनों बिचारे बहुत इमोशनल हैं। हर एक बच्चे को ना बोलने को उनको प्रॉब्लम हो रही थी। आपका प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे नहीं पता था मैं बोल रहा था लेकिन नहीं पर आप हैंडल अच्छे हैं। हाँ। बच्चे नहीं हैं। प्यार से बात करते हैं। पर इन्होंने ना हमने सबने मिलके बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स सिलेक्ट किए हैं एंड जो हम हमारे मेंटर्स को देंगे दे विल टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल एंड वी होप टू गिव यू ऑल द बेस्ट डांसिंग इंडिया हैज एवर सीन जेन्युइनली। और आई हैव टू से कि मर्सी सर ने जितनी खूबसूरती से जितने एज अ एज अ एज अ यंग ब्रदर मुझे वेलकम किया है, जितनी मेरी सपोर्ट की है शो पे चाहे मेरे पूजा के लिए हुए हैं, आई हैव टू थैंक यू फॉर दैट, यू हैव बीन अ रॉक स्टार Nitu ji, you just spread warmth and so much love. We keep smiling when we see you. Nora itni focused hai jab performances chal rahi hoti hai, you know she's so
goes to her craft. It is just amazing to see these judges. मैं wings पे खड़ा होता हूँ, मैं इनको देख रहा होता हूँ. मर्जी सर, जब performance चल रही होती है तो उनका एक mood होता है. जब वो अपने decision दे रहे होते हैं तब उनका एक mood होता है. This is one of the best judges that I could ever have. How sweet. It's a big honor. You are so sweet. चलिए on that note, because I'm so sweet, अब वक्त आ गया है हमारे juniors के hardcore dance को unleash करने का. तो judges, thank you so much. Thank you so much. आप take your seats. मोबाइल पीछे, मोबाइल. आपको मुंडिया रह सकती है कैमरे में. आपने कब से, जब आप उस उम्र की थी तब से आपने डांसिंग स्टार्ट की, क्या कुछ आपको उस किड को देखकर आपके दिमाग में आया आपके डांसिंग को लेकर? बहुत याद आता है. आई गेट सो इमोशनल व्हेन आई सी पीछे वाले को देखो ना. मैं क्या कह रही हूं, आई रिमेंबर माय सेल्फ, सो आई गेट वेरी वेरी अटैच्ड, वेरी अटैच्ड. करण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वी ऑलवेज सीन यू इन लव स्कूल, एमटीवी, रोडीज, दिस इज समथिंग डिफरेंट, एक्साइटेड, नर्वस, क्या कुछ हो? अरे मेरे पीछे छाक है. अरे इधर को आगे देखो ना, आगे वाले है ना, आपको लेफ्ट होना पड़ेगा, लेफ्ट हो जाओ पूरा. काफ़ी डिफरेंट टाइप की उसी थी मेरे. अब बच्चों के साथ तो आइए, हमारे जजेस के साथ. आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं. बट एज आई सेड कि आई जो मैं आया सेट पे, मैं ये लोग मर्जी सर के साथ मेरी बहुत बहुत बैटर चल रहा है, लेकिन आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन हु केम अप टू मी एंड सेड कि तू टेंशन मत ले, तो जो बोल रहा होगा तो बोल, मैं हूँ नर्वस. सो आई थिंक वी हैव पीपल लाइक देम अराउंड, मर्जी भाई एंड एवरीबॉडी, everything feels like we're at home and we're like a family. So main kar raha hu, main galti abhi kar raha hu, but thoda bahut edit pe chal raha hai. Sir, as a judge, you know, alag alag emotional stories bhi aap logo ko sunne milti hogi. Main marzi aapse jana chahungi, girls kaafi emotional hoti hai aur boys ke compare mein aap sambhalte ho, nahi aap emotional ho jate hain? Main unko bhi sambhalta hu aur contestants ko bhi sambhalta hu, don't mean mera duty ho gayi hai ki inko bhi sambhalo, jo emotion ke sabko ha bol dete hain. इनको इनको ना बोलने को आता ही नहीं था. माँ को बुला लगा है, इनको दोनों को बुला लगा. हाउ कैन यू से नो टू अ चाइल्ड? कॉम्पिटिशन हो तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना. शो कभी खत्म नहीं होगा, कलर्स का शो ही चलता रहेगा हमारे. बचपन में रामी को बोला ना, ये खड़ा होकर बढ़िया चुपचाप कुछ नहीं मिलने वाला है, वैसा नहीं बोल सकते ना. अच्छे टाइप में मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी. आई वाज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म, स्ट्रिक्ट वाज माय हस्बैंड. वो पावर थी, यू नो, हिज पर्सनालिटी वाज लाइक दैट. ही वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट फादर, बट ही वाज सो लाइक ओवर द टॉप. खूब डरते थे. बोल दिया. सो नीति मैम, जानना चाहूंगी बच्चों को जज करने के लिए कौन सा स्टाइल आप अपनाएंगे? हर एक जज का अपना स्टाइल होता है, तो किस वे में आप जज करेंगे? जी, स्टाइलिंग मैं देखती हूँ कि लोगों की एनर्जी है, उनमें क्या कर रहे हैं, क्या दीवानगी है, किसे कर रहे हैं. दैट्स माई होल थिंग. इट्स नॉट अबाउट जजिंग दैट, इट्स अबाउट डू दे नीड टू प्रैक्टिस मोर. थोड़ा कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट आई कांट मैं ना नहीं बोल सकती किसी को. फॉर यू नो, आई एम लुकिंग फॉर
for someone who has that X factor. So that is how I'm judging. Of course, I see the dancing ability, I see the technical aspect, but I see who has that star quality, that performer quality, who grabs you when you watch them and you don't want to remove your eyes from them. That's who I'm looking for. किसी की वजह लड़ती नहीं है मेरे से बेसिकली मुझे मैं क्या बोलूँ मैं तो अभी इन लोग को इमोशन देख देख के मैं भी सीख गया हूँ बट आई टेल यू व्हाट वी लुक फॉर इज टैलेंट ताकि हम उनको लेके उनको एक दूसरे लेवल तक ले जाए जो हमारे मेंटर्स हैं दे आर फिनोमिनल दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड वेरी वेल एक्सपीरियंस ऑल्सो सो हम चाहते हैं कि हम उनको जब दे तो वो उनको लाइक थ्री नॉचेस हायर लेके जाए और शो में वो डांस देखे उनका सो दे विल सी द जर्नी के ऑडिशन में जो डांस किया है और अगर फिनाले तक पहुंचा मेरी जर्नी की ग्रोथ क्या थी एंड यू विल सी अ डेफिनेट ग्रोथ इन दैट एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर तो इसका जवाब आपको 23rd अप्रैल रात को 9 बजे सैटरडे और 24th अप्रैल रात को 9 बजे संडे को मिल जाएगा Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.